इंसान की कीमत। एक बार लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटे एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बालक, क्या सभी उतने ही कीमती और महत्वपूर्ण है? पिताजी, हाँ बेटे। बालक के कुछ पल्ले पड़ा नहीं, उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी की कम इज्जत तो किसी की ज्यादा क्यों होती है? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लाने को कहा। रॉड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? बालक, लगभग 300 रुपए। पिताजी, अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं, तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी? बालक कुछ देर सोच कर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपए का। पिताजी, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो? बालक कुछ देर सोचता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। तो मित्रों, यह छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें ऐसे ही नई नई कहानी सुनने के लिए। मैं मिलता हूँ एक और नई कहानी स्टोरी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।